तैयार हो जाइए दोस्तों आज की 5 टॉप टेक खबरों के लिए। ओ हेलो, तो आ गए आप। मेरा नाम है एडीपी, आप लोग देख रहे हैं रिव्यू। सो बिना किसी देरी के चलिए गुरु करते हैं शुरू। दोस्तों आज की जो पहली खबर है वो है फेसबुक की तरफ से, बहुत ही चौंका देने वाली खबर है क्योंकि फेसबुक एक ऐसी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करने वाला है जिसके थ्रू वो आप पे निगरानी रखेगा आपके स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से या फिर आपका जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है उसके वेबकैम से। ये बेसिकली इसलिए कर रहा है ताकि जब भी आप अपने न्यूज फीड में बहुत सारे पोस्ट को पढ़ते हो या देखते हो तो आपके फेस पे एक एक्सप्रेशन आ जाती है, उस एक्सप्रेशन को ये पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है और इसकी वजह से वो आपके वेबकैम के थ्रू आप पे निगरानी रखेगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए, लेकिन मैं इस चीज़ को सपोर्ट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये स्पाई करता है, मतलब सीक्रेटली आप पे निगरानी रखता है। तो इसका फ़ायदा क्या है? अगर आपको ऐसे कुछ करना है तो आप हमसे परमिशन मांगे, अगर हम हाँ करेंगे तब आप हम पे स्पाई कर सकते हो, मतलब हम हमारे एक्सप्रेशन को देख सकते हो। लेकिन अगर हम हाँ नहीं कहेंगे तो स्पाई करना गलत चीज़ है, मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली सपोर्ट नहीं करता हूँ। आप मेरे को कॉमेंट करके बताइए क्या अगर आप पे कोई भी स्पाई करेगा सीक्रेटली तो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों आज की जो अगली खबर है वो है OnePlus की तरफ से। OnePlus 5 के कुछ बेंचमार्क सामने आए हैं। OnePlus 5 का जो 6GB वाला वेरिएंट है उसके बेंचमार्क्स वो ज़्यादा हैं OnePlus 5 के 8GB वाले वेरिएंट से, मतलब ये कम्प्लीटली चौंका देने वाली खबर है। लेकिन बेसिकली दोस्तों मैं इन सब चीज़ों पे नहीं विश्वास रखता हूँ, मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता बेंचमार्क के स्कोर पे। जो फ़ोन प्रैक्टिकली जैसा परफॉर्म करता है वो फ़ोन वैसा ही होता है, उसकी काबिलियत तभी मालूम चलती है जब हम उस फोन को प्रैक्टिकली यूज़ करें। ये बेंचमार्क के स्कोर्स पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ, ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ये फिजूल होता है। लेकिन शायद बहुत लोग हैं जिनको इन पे यकीन है, तो ठीक है अपना यकीन बनाए रखें, मे भी शायद सही हो। और दोस्तों ये जो बेंचमार्क का स्कोर निकला OnePlus 5 का, ये कम है सैमसंग गैलेक्सी S8 के एक्सिनोस वर्जन से और OnePlus 3T से ज़्यादा है, लेकिन सैमसंग के S8 के एक्सिनोस वर्जन से कम है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए आप कौन सा वाला वेरिएंट खरीदोगे, 6GB वाला या 8GB वाला। दोस्तों आज की जो अगली खबर है वो है गूगल के जी बोर्ड के बारे में। बहुत सारे iOS के ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने बोला है कि गूगल का जो जी बोर्ड कीबोर्ड है उसमें जब भी वो जिंजर टाइप करते थे तो वो उनको मिडिल फिंगर शो करता था। मतलब ये बहुत ही अजीब है। एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जब भी iOS के यूजर्स जी बोर्ड पे जिंजर टाइप करते थे तो जो जी बोर्ड है उसको लगता था कि यूजर्स ने फिंगर टाइप किया है, इसकी वजह से वो मिडिल फिंगर शो करता था। यूजर्स ने बहुत सारी कंप्लेंट्स की गूगल को इस बारे में और गूगल ने बोला है कि वो इसको जल्दी ठीक कर देगा और मे भी शायद ठीक करने लग गया है। और इसकी जो प्रॉब्लम थी एंड्रॉयड में वो ये थी कि जब भी आप जिंजर टाइप करते थे गूगल के जी बोर्ड पे तो वो दो उंगलियां दिखाता था या फिर एक हाथ दिखा देता था। तो ये प्रॉब्लम भी ठीक करी जा रही है। तो मैंने तो ट्राई किया अपने गूगल जी बोर्ड पे क्योंकि मैं भी गूगल का जी बोर्ड यूज़ करता हूँ, तो मेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। दोस्तों आज की जो अगली खबर है वो है सिस्को से। सिस्को ने किया था एक सर्वे जिसके थ्रू मालूम चला है अगर हम इंडियन इसी रफ्तार के साथ इंटरनेट यूज़ करते रहेंगे तो इंटरनेट यूज़ करने वाले यूज़र्स की जो संख्या है वो बढ़ के बन जाएगी 829 मिलियन। दोस्तों ये बहुत बड़ी संख्या है और मैं तो चाहता हूँ बढ़ जाए, क्योंकि जिस देश में इंटरनेट आता है ना दोस्तों वो देश पावरफुल बन जाता है। पावरफुल मतलब मैं ये नहीं बोला सुपरमैन बन जाएंगे सारे जितने भी सिटीजन हैं, नहीं, पावर मतलब उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं, हम लोग जागरूक बनते हैं। तो इंटरनेट दोस्तों बहुत यूज़फुल है और मैं तो चाहता हूँ गांव-गांव गलियों तक हर जगह से इंटरनेट फैल जाए ताकि हम सब लोग कनेक्टेड रहें। दोस्तों आज की जो आखिरी खबर है वो ये है कि एंड्रॉयड ओ का डेवलपर प्रीव्यू एक नया निकल आया। कुछ ही हफ्तों पहले एक निकला था और अभी फिर निकल आया नया, लेकिन वही ये सिर्फ पिक्सेल्स में और नेक्सस में ही रहेगा। तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, एक्चुअली इनमें काफ़ी बग्स होते हैं, ये इतना स्टेबल भी नहीं होता है। बेसिकली इसलिए निकाला जाता है ताकि जितने भी डेवलपर्स हैं जो ऐप्स बनाते हैं वो इनको समझ पाएँ और उसके अकॉर्डिंगली अपने नए ऐप्स में अपडेट लेकर आएँ, ताकि जब भी एंड्रॉयड ओ सब में सर्कुलेट किया जाएगा सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में, तो ये जो नए नए ऐप्स हैं जो अपडेट हुए हैं या फिर नए ऐप्स जो लॉन्च होंगे उन ऐप्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाए और यूज़र को एक बेटर एक्सपीरियंस मिले, अच्छी चीज़ है। अब देखने की बात यह है दोस्तों कि एंड्रॉयड ओ है वो कब तक आएगा, क्योंकि यहाँ तो अब तक यार बहुत लोगों को नोगट का भी अपडेट नहीं मिला है और यहाँ पर एंड्रॉयड ओ निकलने की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की 5 टॉप टेक खबरें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट के साथ डेली आता रहता हूं। तो इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा, सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।